students, I think for a long time you have stayed at home, but it is for your opportunity to make the best use of your time and study well as well. Improve your English language much, I hope and trust you'd do it. Okay, now I am going to take your supplementary English textbook, that is lesson 2, The Friendly Mongoose. Very interesting story. I am going to teach it line wise. First of all, I think the summary of the story is that. Summary. In each story has some new words, you can say. So you must know the meaning of new words. There are some words, just like, what is the meaning of mongoose? Mongoose. नेवला, हिंदी में आप जानते होंगे जो सांप का एनिमी कहलाता है, नेवला एक जीव हुआ एनिमल. दूसरा वर्ड है इसमें बिलीफ. स्पेलिंग पर ध्यान देना है क्योंकि स्पेलिंग थोड़ा आपके लिए एरर ले आता है, अगर गलत करेंगे तो गलत है. विश्वास करना, यानी विश्वास करना, ये वर्ड है. कंपेनियन, साथी. ब्राउट, भीतु है ये, लाया यानी लाना का पास्ट टेंस है, ब्रिंग होता है इसका भी. कहानी के समरी ये है कि एक किसान था, वह अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहता था, खेतीबाड़ी का काम करता था और उसको एक पुत्र प्राप्ति हुई. बच्चा छोटा था, कुछ दिन का हुआ बच्चा, कुछ महीने का हुआ, तो किसान के मन में ये बात आई, दोनों मिलकर ये बात विचार किया कि इस बच्चे के लिए जब ये बड़ा होगा इसके लिए एक साथी चाहिए, इसकी आवश्यकता होगी, एक इसके साथ रहने वाले, देखने खेलने या कुछ भी करने के लिए एक साथी की आवश्यकता होगी. क्यों ना हम लोग एक जीव पालें, और वो डिसाइड किया गया कि एक नेवला ही पालेंगे. और ऐसा करके एक दिन किसान आया और नेवले के बच्चे को लेकर आ गया घर में. अब दोनों बच्चे पालने लगा, दोनों बच्चों को अपने उसमें बच्चे को के साथ साथ नेवला का बच्चा भी पलने लगा. और लेकिन अंतर ये हुआ कि नेवला का बच्चा जल्दी ही बड़ा हो गया और इनका अपना पुत्र जो था वो अपनी गति से बढ़ रहा था. तो अभी तक वह पालने में रहता था और दूध को पिला के और उसका खाना पीना उसी में चलता था. लेकिन नेवला कुछ बड़ा हो गया और हृष्ट पुष्ट हो गया. तो नेवले में एक क्वालिटी होती है कि वह सांप से लड़ सकता है, उसको मार सकता है, वो शत्रु के रूप में है उसका. अब ये सही समय बीतता गया और एक दिन किसान की पत्नी के मन में आया कि अब मैं बाजार जाना है, मार्केट जाकर कुछ लाना है, ग्रोसरी का सामान लाना है. और अपने पति को ये ध्यान आकृष्ट कर दी कि की पर आई तू, ध्यान रखिएगा इस बच्चे का, मैं बाजार से आती हूँ. तो वो बाजार चली गई, बच्चा खाती अपने बच्चे को सब करती, वो उस क्रेडल में सो गया. किसान सोचा कि बगल में ही खेत है, जरा देख आते हैं, जब तक बच्चा सोया ही हुआ है, मंगूस था ही, वो चला गया. इसके बीच क्या हुआ कि जब तक किसान लौटता, वो लौटा भी नहीं था, उसके बीच में पत्नी जब वापस लौटी तो नेवले को देखी बाहर, वो उसकी प्रतीक्षा में था, लग रहा था ऐसा ही कर रहा है कि मेरी प्रतीक्षा. किसान की पत्नी ने सोचा कि लगता है मेरी प्रतीक्षा में है. आई तो देखी तो अचानक अचंभित हो गई क्योंकि उसके पैर और मुँह में ब्लड के धब्बे निशान. वह चीखी उसको देखकर, वो तो सोच ली कि ये मेरे बच्चे को आज मार दिया है,
लेकिन हुआ यह था, ऐसा घटना ऐसी हुई कि किसान लौटा नहीं था और एक सांप आया, उस सांप से लड़ाई किया नेवला और उसी को मार दिया, इसलिए उसका ब्लड उसके मुंह और पंजे में लगा हुआ था। ये किसान की पत्नी ने समझा बात को नहीं और चीख कर उसको मारी नेवले को। अंदर गई तो उनका बच्चा तो सोया हुआ था पालन में, थोड़ी देर में उठा तो आराम से रोया, तो दूध के लिए जो भी हो उखा दी उसको। अब क्या हुआ कि उसको सारी स्थिति समझ में आ गई नेवले को, किसान की पत्नी को, तो नेवले के बारे में अब वह पश्चाताप में ही लगी रही और अपना काम में लगी, लेकिन नेवला जो था वो फिर नहीं उठा। इसे एक मोरल ये है कि बिना सोचे समझे कुछ भी काम, कुछ भी स्टेप नहीं उठाना चाहिए। आपको एक एक लाइन से मैं इसका हिंदी समझा देती हूँ, आप ट्राई करेंगे इसको पढ़ने का भी और लिखने का। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विथ देयर स्मॉल सन। एक बार एक किसान और उसकी पत्नी अपने गांव में उनके छोटे बच्चे के साथ, पुत्र के साथ रहते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच, तो अपने पुत्र को वे लोग बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव ए पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। व्हेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन, दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। अब दोनों ने विचार विमर्श किया कि हम लोगों को एक पालतू जीव रखना चाहिए, और अपनी पत्नी से किसान ने कहा एक दिन कि जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तो एक साथी की जरूरत पड़ेगी उसके, और यही पेट उसका साथी बनेगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया, इस विचार को उसकी पत्नी ने स्वीकार कर लिया, पसंद किया। वन इवनिंग द फार्मर ब्राउट विद हिम अ टीनी मंगूज, एक दिन शाम में किसान एक छोटा सा नेवले को लाया। इट्स ए बेबी मंगूज, सेड हिज वाइफ, बट विल सून बी फुली ग्रोन। उसने कहा कि ये तो छोटा सा नेवला है, नेवले का तो बच्चा है, उसकी पत्नी ने कहा, लेकिन ये शीघ्र ही बड़ा हो जाएगा। He will be a friend to our son, और यह मेरे हम लोगों के बेटे, हमारे पुत्र का साथी बनेगा, मित्र बन जाएगा, दोस्त बन जाएगा। Both the baby and the mongoose grew, दोनों बच्चे, बच्चा और नेवले का बच्चा बड़े हुए। In 5 or 6 months the mongoose had grown to its full size, a lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. अब कुछ ही महीनों में 5 या 6 महीने के बाद वो जो नेवला का बच्चा था वो पूरा साइज में आ गया, बड़ा हो गया और सुंदर लगने लगा। साथ साथ वो उसकी उसकी काली आंखें और घनी पूंछ भी साथ साथ बहुत अच्छा दिख रहा था। द फार्मर्स सन वाज स्टिल अ बेबी इन द क्रैडल, स्टिल का मतलब होता है अभी तक। नेवले का बच्चा अपने अनुसार बड़ा हुआ, लेकिन ये के बच्चे बच्चे में जो ग्रो होता है वो जैसे होता है वैसे ही हुआ, तो 6 महीने में बच्चा उतना नहीं हो जाता है जितना नेवले के बच्चा होता है। तो अभी भी उनका बच्चा क्रैडल में पालना में चल रहा, सोया रहता था, स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, थोड़े थोड़े देर चिल्लाता रोता था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट, एक दिन किसान की पत्नी ने बाजार जाना चाहा। शी फेड द बेबी, फेड मीन्स हुआ फीड मीन्स खिलाना, और इसी का पास्ट होता है फेड, ये फेड भी टू हो गया, खिलाया यानी बच्चे को खिला पिला दिया। एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल, और अच्छी तरह से अपने उसके छोटे से पाल में उसको अच्छा से खिला पिला कर सुला दिया। पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड, एक बास्केट उठाते हुए अपने पति को से उसने कहा, आई ऑफ टू द बाजार, द बेबी इज स्लीपिंग, कीप एन आई ऑन हिम, कीप एन आई। मुहावरा है ये, फ्रेज है, ध्यान देना। मैं तुरंत ही बाजार से लौटती हूँ और आप ध्यान रखेंगे अपने बच्चे पर, वह सो रहा है। और फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज, साफ साफ तौर पर उसने कहा कि मैं ये नहीं चाहती कि नेवले के साथ ही पूरी तरह उसको छूट दिया जाए, छोड़ दिया जाए, इसलिए ध्यान रखिएगा। यू डिडंट बी अफ्रेड, सेड द फार्मर, किसान ने कहा कि तुम्हें
डरने की आवश्यकता नहीं है। द मंगूज इज अ फ्रेंडली एनिमल, न्यूलाइट दोस्ताना जानवर होता है। इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो। ये तो उतना ही प्यारा है जितना हमारा बच्चा है। आपको तुमको पता है कि ये दोनों अच्छे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे। पत्नी चली गई और किसान ने सोचा कि कुछ काम नहीं है अभी, तो निश्चय किया कि बगल में ही जो खेत है उसमें जरा सा देखो कर आते हैं। He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. अब उधर से ही वह कुछ मित्रों से मिल लिया और मिलते हुए रास्ते में तो तुरंत समय पर लौटा नहीं। Quite some time, तो बिल्कुल थोड़ा तुरंत नहीं लौट पाया। The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. किसान की पत्नी ने खरीदारी का काम पूरा किया और घर अपने बास्केट में सामान भरकर जो राशन का सामान था उसको लेकर चली आई। शी सॉ द मंगूज सिटिंग आउटसाइड एज इफ इज अ फ्रेंड, ध्यान दे मानो मानो। तो शी सॉ द मंगूज सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। उसने क्या देखा जब आई तो कि नेवला बाहर बैठा हुआ था, मानो वह उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। On seeing her, he ran to welcome her as was customary. उनको देखकर नेवला उनके स्वागत के लिए दौड़कर आगे गया, जैसा कि होता है प्राय, उसी को कस्टमरी कहते हैं। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज एंड स्क्रीम। किसान की पत्नी ने एक झलक देखा तो नेवला को देखा और चिल्ला चीख उठी, स्क्रीम, ब्लड शी क्राइड, उसमें दिखा कि खून है, खून, वो चिल्लाई। द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूज वेयर स्मियर्ड विथ ब्लड। और उस नेवले का चेहरा और पंजा ब्लड से यानी खून से लथपथ था। यू विकेड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली। और जैसे ही उसको देखी और कहा बदमाश जीव, बदमाश पशु, इसने मेरे तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है। वह चीखी एक चीखने के अंदाज, शी वॉज ब्लाइंड विथ रेज, वह क्रोध से भरी हुई थी, एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द बास्केट, हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी, वो जो सामान लाई थी बास्केट में भरा हुआ जो सामान था उसी को उसके सामने गिरा दी, जोर से झटका देकर पटक दी। ऑन द ब्लड स्मियर मंगूज एंड रन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रैडल। जैसे ही देखी वो झटके से उस ग्रोसरी के बास्केट को उसके मुंह पर लगाई, गिराई, जोर से फेंकी और अंदर चली गई अपने बच्चे के क्रैडल के पालना के पास। द बेबी वाज फास्ट अस्लीप, बच्चा तो पूरी तरह गहरी नींद में सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर ले ए ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, और फर्श पर एक बड़ा सा सांप पड़ा हुआ था और उसमें खून और कटा कटा था, वो लग दिख रहा था धब्बा। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, तुरंत ही वह समझ गई कि वास्तव में क्या हुआ, घटना क्या हुआ था। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज, वह बाहर तुरंत गई उस नेवले को देखने के लिए। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, ओह तुमने तो मेरे बच्चे को बचा दिया, मेरे जीवन उस मेरे जीवन के बच्चे का जीवन बचा दिया। यू किल्ड द स्नेक, और तुमने सांप को मार दिया। व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या किया, क्या किया है, शी क्राइड टचिंग द मंगूज, वह नेवले के को छूते हुए स्पर्श करते हुए चिल्लाई। हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर स्वामी, और वह पड़ा हुआ था एकदम अभी तक मृत पड़ गया था, अनअवेयर ऑफ हर स्वामी, और जो सिसकियां ले रही थी उसके एकदम अनभिज्ञ था वो, ये तो मर चुका। The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose. जो किसान की पत्नी थी जिसने इस काम को हड़बड़ी में जल्दबाजी में किया hastily, और वह एक तक ने मृत नेवले को देखती रही। Then she heard the baby crying.
तब उसने अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनी। वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसू को पोंछते हुए, शी वेंट इन टू फीड हिम, वह अंदर उसे खिलाने के लिए चली गई। ये स्टोरी एक बुक है पंचतंत्र विष्णु शर्मा की, उसी का एक कहानी को उद्धृत किया गया है। उम्मीद है ये कहानी आपको समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। आप इसमें से बहुत इजी क्वेश्चन है, ये 4-5 क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं तो ट्राई करेंगे। अदरवाइज आई विल मेक इट। व्हाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मंगूज इनटू द हाउस, मतलब हुआ कि किसान ने अपने बेबी नेवला का बच्चा को क्यों लाया अपने घर में। आपको पता है कि द फार्मर्स ब्राउट ए बेबी मंगूज इनटू द हाउस टू मेक इट्स कंपेनियन और टू हर टू हिज सन, यही होगा आंसर। व्हाई डिडंट द फार्मर्स वाइफ वांट टू लीव द बेबी अलोन विद द मंगूज, अब इसका मतलब कि किसान की पत्नी बच्चे को सिर्फ नेवले के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, क्यों? तो आप आंसर लिख सकते हैं, द फार्मर्स वाइफ did not want to leave the baby alone with the mongoose because she had no faith only in mongoose. What was the farmer's comment on his wife's fears? अब किसान का comments अपने on his wife's fears डर से क्या था? क्या उसका comment था कि हड़बड़ी में काम करेगी तो ऐसा ही होगा, इसलिए what was the farmer's comment on his wife's fears? अब वो डर गई थी, पत्नी की क्या भय को वो देख लिया था, तो उसका क्या कमेंट था कि अब जो हो गया सो खत्म हो जाए, उसे अब किया ही नहीं किया जा सकता है कुछ। तो व्हाट डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द मंगूज विथ हर बास्केट, किसान की पत्नी ने अपने बास्केट को नेवले पर क्यों प्रहार कर दिया, इसका हुआ मतलब कि वो व्हेन शी सॉ द मंगूज स्मीयर्ड विद ब्लड इन हिज पॉज एंड माउथ she understood or she thought that she would kill her baby. Did she repent her hasty action? Yes, she repented much for her hasty action. How does she show her repentance? अब उसने कैसे इस पश्चाताप को दिखाया? To touch the dead mongoose and sobbing tears on his neck. See, that is the story. I think you may read this storyline twice and understand the summary and try to do the question answer. Thank you very much.